छठ महापर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामना दी है और मंगल कामनाओं के साथ देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ लोक आस्था का एक महापर्व है, इससे पूरा समाज जुड़ता है, यह पर्व सामूहिकता का दर्शन है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व बिना शुद्धि के नहीं हो सकता है। नदी की स्वच्छता का अभियान सामूहिकता से जुड़ा हुआ है और गोमती नदी शुद्ध दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ पर्व से सामाजिक समरसता का भी उदाहरण प्रस्तुत होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आगे उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाने अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और कार्यक्रम के बाद गंदगी को हटाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता अभियान फिर से चलाना होगा, तभी हम सबको एक पुण्य लाभ प्राप्त होगा। भोजपुरी समाज के द्वारा आयोजित आज के इस छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको मैं छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति मंगल कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह लोक आस्था का पर्व है और पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। पर्व और त्योहार का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति और लोक आस्था के प्रति किस समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं।